अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ जी, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कल मैं औरों को सपोर्ट कर सकूँगी। जिस तरह आप मुझे करेंगे मैं औरों को कर सकूँगी। मुझे आज आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं कल किसी को कर सकूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी कर दिया करें, अपनी सजेशंस बताया करें मुझे। तो ये रहा ड्रेस डिज़ाइनिंग नंबर 3। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सर्दी के कुर्ते सिलवाए हैं, सिंपल मैंने सिर्फ मतलब कमीज़ें ली हैं, सलवार वगैरह साथ दुपट्टा कुछ नहीं था। ये इसके साथ मैं पहनूंगी टाइट और एक स्टॉलर ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। और ये ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनवा लिया मैंने, ये खुला घेर है, खुली कमीज़ है, कुर्ता स्टाइल बनी हुई है और जिसके चाक छोटे होते हैं, सारी लेस लगी हुई है। तो ये मैं यहाँ पे फ्रेश होके मैंने पहन लिया था, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे खुले बाल, क्योंकि आज जुम्मा था तो सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। अभी तो मतलब जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो जुम्मा तो गुजर ही चुका होगा, मतलब जुम्मे का दिन तो होगा ही ना, रात हो या दिन हो, जब भी मेरा ये व्लॉग आएगा तो सबको जुम्मा मुबारक और दुआ में याद रखा करें। तो जी अभी इस ड्रेस पे करते हैं हम बात। इसके बाजू हैं खुले, ठीक है, बेला स्टाइल बनवाए हैं और लेस लगी है सिंपल और इसके मतलब ये जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, बटन भी लगे हुए हैं। तो ये इस कपड़े के साथ का ही कपड़ा है, मतलब इस सूट के साथ ही एक्स्ट्रा कपड़ा था कमीज़ के साथ, तो वही इसके साथ लगाया है डिज़ाइन। और ऊपर कलर बना हुआ है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैंने आपको पहले दिखा दिया, अभी नहीं दिखा सकती, पहले शुरू में जो आपको डिज़ाइन दिखाया है मैंने बगैर पहने वो आपको नज़र आ चुका होगा, आपने देख लिया होगा। तो पीछे से आपको थोड़ा सा मेस नज़र आ रहा होगा क्योंकि नहाने के बाद जो टॉवल है ना मैंने बेड पे वैसे ही रख दिया। मैंने कहा जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद धूप में जाना था क्योंकि ठंड थी बहुत, सर्दियां हैं जाहिर सी बात है। तो हाँ जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नेल की केयर। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने नेल काट लिए हैं तो अभी हम नेल की केयर पे स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी है, मैं जो करती हूँ एक लहसुन का जवा ले लिया मैंने और सरसों का ऑयल। जिनको लहसुन से प्रॉब्लम है ना, किसी के नेल जो है ना जलते भी हैं, मतलब उनको लगता है, या किसी को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो सिर्फ सरसों का ऑयल लेके ना थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे मतलब अच्छी तरह से आपने मतलब सरसों के ऑयल को ना नाखूनों पे मसाज कर लेना है, अपने नेल्स पे मसाज कर लेना है, मतलब लगा लेना है अच्छी तरह और लगा ही रहने देना है। आप कोई काम भी कर सकते हैं, मतलब उसकी तो स्मेल इतनी नहीं होती, किसी को शायद उसकी भी ना पसंद हो, लेकिन आपने लहसुन का क्या करना है, लहसुन को छील के उसको बीच में से मतलब टुकड़ा कर देना है, हाथ के साथ करना है या छुरी के साथ करना है, जैसे आपको करना है। और आपने उसको अच्छी तरह से अपने नेल्स पे जो है ना मल लेना है, मसल लेना है, मसाज कर लेना है, जो भी आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो आप अच्छी तरह से 5-1 मिनट आपने कर लेना है और उसके बाद आपने सरसों का ऑयल बाद में लगा लें, इसको या पहले लगाना है या बाद में लगाना है वो लगा लें, ठीक है। ये 2 टिप्स नेल्स के लिए अच्छी हैं, उससे आपके नेल टूटेंगे भी नहीं और जल्दी ग्रो होंगे। तो यही है छोटी सी टिप मेरी। और दूसरी बात ये कि मुझे कमेंट आया था कि आप स्किन टैनिंग के बारे में कुछ रेमेडी बता दें, कोई तरीका बता दें। हैंड टैनिंग है जिनको कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उनको शायद हैंड पे टैनिंग है। तो मैं मतलब सारे स्किन के रिलेटेड, टैनिंग के रिलेटेड बता रही हूँ, सारे स्किन पे जो टैनिंग हुई हुई होती है। तो टैनिंग क्यों होती है, आप ज़्यादा धूप पे बैठते हैं या आपका ज़्यादा बाहर आना जाना है धूप पर, या तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना क्रीम्स यूज़ की हुई होती हैं जो आपको सूट नहीं करती, या आप ऐसी क्रीमें लगाते रहते हैं, पहले एक क्रीम उसके बाद कोई और क्रीम ऐसे लगा लें तब भी आपको टैनिंग हो जाती है, या आपको कोई सन ब्लॉक जो है सूट नहीं करे तो आपको टैनिंग उससे भी ज़्यादा हो जाती है, टैनिंग हो जाती है ज़्यादा धूप में बैठने से। तो आप धूप में बैठना अवॉइड करें, मैं आपको टिप भी बता रही हूँ, सब
सबसे पहले टिप नंबर वन, आपने लेना है एक टमाटर। टमाटर आपने मतलब अभी सर्दी है तो ठंडा ना ही ले फ्रिज का, थोड़ी देर इसको बाहर रखते हैं टमाटर को। उसके बाद टमाटर को काट के दो टुकड़ों में आपने अपने हाथों पर अच्छी तरह से टमाटर की मसाज कर लेनी है। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट जो है ना मसाज करनी है टमाटर के साथ, और उसको आपने 10 से 1 मिनट छोड़ देना है अपने हाथ पे। उसके बाद आप अपने हाथों को नॉर्मल पानी से धो सकते हैं, ठीक है। टिप नंबर टू है, मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ और आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ भी रहा होगा। आपने सबसे पहले लेना है 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून आपने लेना है लेमन जूस, और 1 चुटकी लेनी है आपने हल्दी। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप पहले टमाटर वाला नहीं करना चाहते तो आप टमाटर का पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं, मतलब इस वाली टिप में, टिप टू में डाल सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, आपने लेनी है 1 टेबलस्पून लेना है आपने बेसन का, 1 टेबलस्पून आपने लेना है लेमन जूस का, 1 चुटकी लेनी है आपने हल्दी, और आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून टोमेटो का पेस्ट, ठीक है। आपने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने अपने टैनिंग स्किन पे, जहाँ पे हैंड्स पे, फेस पे, पाँव पे, गर्दन पे, जहाँ पे भी आपको टैन हुआ है, आपने 5 मिनट मसाज कर लेना है, और आपने 10 से 15 मिनट तक इसको अपने स्किन पे छोड़ देना है अच्छी तरह से, और इसको आपने नॉर्मल पानी से धो लेना है। आप इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, आपकी इंशाल्लाह टैनिंग जो स्किन है वो सही हो जाएगी इसके साथ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।